हे गाइस, इट्स रिया। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल दैट बर्ड। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज हम सुपकली से माँ दुर्गा की मूर्ति बनाएंगे। सबसे पहले हम हमारी मूर्ति के लिए बेस बनाएंगे, और बेस बनाने के लिए मैं यहाँ पे ब्लैक सुपकली का यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं ब्लैक कलर का बेस इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मेरे पास ब्लैक कलर की जो क्ले थी वो बहुत सारी रखी हुई थी। मैं सारे क्ले यूज़ कर लेती हूँ, ब्लैक कलर की क्ले मैं कम यूज़ करती हूँ। और बेस हमको थोड़ा सा मोटा चाहिए जिसमें कि हमारी क्ले थोड़ी ज़्यादा लगेगी, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं ब्लैक कलर यूज़ करूँ जो कि मेरे पास ज़्यादा रखी हुई है। सो मैं यहाँ पर रेक्टेंगल शेप दे दूँगी यहाँ पर ग्लास की हेल्प से। सेंटर में हम यहाँ पर इस टूल को लगा देंगे, इससे हमारी मूर्ति को सपोर्ट मिलेगा। अगर आपके पास इस टाइप का टूल ना हो तो आप बैम्बू स्टिक लगा सकते हो। मेरे पास ये टूल बहुत सारे रखे हुए हैं क्योंकि मैं बहुत सारी सुपकले बाय करती हूँ जिनमें टूल हमेशा मिलते हैं, तो मैं यहाँ पे उसका यूज़ कर लेती हूँ। अब मैंने यहाँ पे गोल्डन येलो कलर बनाया हुआ है। मैंने येलो और ऑरेंज कलर को मिक्स करके ये कलर बनाया हुआ है क्योंकि इस कलर का हम शेड बनाएंगे और शेड के ऊपर हम दुर्गा माँ को विराजमान करेंगे। सो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी क्ले ली, उसको मैंने इस टाइप से रोल करा हुआ है और इसको हम स्टिक के अंदर इस टाइप से इंसर्ट कर देंगे और इस टाइप से हम इसको प्लेस्ड कर देंगे। अब मैंने यहाँ पे थोड़ी सी क्ले ली हुई है और उसका मैं गोला बना रही हूँ जो कि हमारे शेर का फेस है, तो इसको हम लगा देंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पे शेर के पैर बनाएंगे। सो यहाँ पे मैंने इक्वल पार्ट में मैं यहाँ पे क्ले को डिवाइड कर लूँगी और उसको हम रोल करेंगे और हमारे शेर के पैर बन जाएंगे। तो आप लोग देखते जाइए, बीच बीच में जो भी स्टेप्स होंगी मैं आप लोग को बताती जाऊँगी, तो इसलिए आप लोग पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। और अगर आप लोग को कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आप लोग का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और अब हमने हमारे शेर के चारों पैर लगा दिए हैं। मैं यहाँ पे शेर का फेस बनाऊंगी, तो मैं दोनों फिंगर से इस टाइप से प्रेस करके एक रफ ड्रॉ बना रही हूँ। उसके अकॉर्डिंग हम फेस की डिटेलिंग करेंगे। और शेर को बनाना बहुत ही इजी है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस देखते जाना है, तो आप लोग भी बना सकते हो। अब मैं यहाँ पे शेर को रियलिस्टिक लुक देने के लिए यहाँ पे ब्लैक कलर की इस टाइप से जो लाइन है वो ऐड करती जा रही हूँ। आप लोग चाहें तो आप यहाँ पे एक्रेलिक कलर का भी यूज़ कर सकते हो या फिर कोई मार्कर का यूज़ करके भी आप इस टाइप से लाइन को क्रिएट कर सकते हो। और अब मैंने ये ब्लैक जो इफेक्ट है कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हम यहाँ पे शेर के हेयर्स बनाएंगे। और यहाँ पे ये जो मैं निडल वाला टूल यूज़ कर रही हूँ ना, ये बहुत ही काम का टूल है और ये टूल मैंने खुद से बनाया हुआ है। अगर आप लोगों ने मेरी शॉर्ट वीडियो में देखा होगा तो आप लोग को पता होगा कि टूल कैसे बनाते हैं, लेकिन अगर आप लोग नए हो, आपने अभी तक नहीं देखा है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी या फिर कमेंट में पिन कर दूंगी, तो आप लोग चेकआउट कर लेना। और अगर आप लोग क्ले का काम करते हो तो आप लोग ये ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एंड ये बहुत ही काम की चीज़ है गाइज, और आप लोग को बहुत पसंद आएगी अगर आप बनाओगे तो। अब आप देखिए, इधर पे मैं इसी टूल का यूज़ करके यहाँ पर डिज़ाइन बना रही हूँ और कितनी ईजिली डिज़ाइन क्रिएट हो रही है। शेर हमने बना लिया है, अब शेर के ऊपर हम दुर्गा माँ को विराजमान करेंगे। और गाइज, अगर आप लोग मेरी वीडियो को देख के दुर्गा माँ को बनाते हो, इस आर्ट को रिक्रिएट करते हो, तो इसकी पिक्चर ज़रूर मेरे साथ शेयर करना मेरे इंस्टाग्राम पेज पे। और मुझे आप लोग का रिक्रिएशन देख के बहुत खुशी होती है, तो रिक्रिएशन ज़रूर शेयर करना। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी मेरे इंस्टाग्राम पेज का या फिर स्क्रीन में मेंशन कर दूँगी, तो आप लोग चेकआउट कर लेना। अब यहाँ पे हम दुर्गा माँ की साड़ी बना रहे हैं और साड़ी में बहुत सारी प्लीट्स होती हैं, सो मैं यहाँ पे प्लीट्स के सारे इफेक्ट देती जाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने क्ले को इस टाइप से रोल करा हुआ था और इस टाइप से मैं ये पैटर्न क्रिएट करती जाऊँगी।
अब यहाँ पे हम हमारी दुर्गा माँ को ज्वेलरीज पहनाएंगे। सो यहाँ पे ज्वेलरीज के लिए मैं यहाँ पे येलो क्ले का यूज़ कर रही हूँ। अब हम यहाँ पे दुर्गा जी के हाथ बनाएंगे। सो हाथ मैं यहाँ पे इस टाइप से बनाऊंगी। मैं 3/4 उनका ब्लाउज रखने वाली हूँ, उसके बाद हम आगे हाथ बना देंगे। और यहाँ पर जो स्किन कलर का क्ले था उसका कलर मुझे लाइट लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा डार्क कलर उसको बना दिया था। क्योंकि मुझे लाइट कलर ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए मैंने थोड़ा सा डार्क करा हुआ है। आप लोग लाइट कलर का भी बना सकते हो डायरेक्ट। यहाँ पर मैंने क्ले को रोल करके इस टाइप से फोल्ड करा हुआ है। अब हम यहाँ पर फिंगर्स बनाएंगे। सो फिंगर्स हमको इस टाइप से बनानी है जिससे कि बहुत ही रियल लुक आएगा फिंगर्स में। लास्ट में हमको ये क्ले लेके इस टाइप से टूल की हेल्प से इस टाइप से कर देना है। अब यहाँ पर हम थंब ऐड करेंगे और इसको फोल्ड कर देंगे और हमारे ये हैंड रेडी हो जाएंगे। सो ऐसे मैंने 6 हाथ ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं, आप देख सकते हो दोनों साइड के। और यहाँ पे मैं 8 हाथ की दुर्गा माँ बना रही हूँ, तो ये जो 2 हाथ हैं वो मैं वहीं पे बनाऊंगी। अब हम यहाँ पे दुर्गा माँ के गले की ज्वेलरी बनाएंगे। अब मैं यहाँ पे हाथों में भी ज्वेलरी पहना दूंगी और इस टाइप से टूल की हेल्प से मैं डिजाइन दे दूंगी। और हमने जो दुर्गा माँ के हाथ बनाए थे उनमें हम आई पेन ऐड कर देंगे। ऊपर का ये जो रहता है इसको हम हटा देंगे जिससे कोई दिक्कत ना हो अंदर जाने में। सो फटाफट से हम यहाँ पे आधी आई पेन हाथ में और आधी आई पेन हम पीछे इस टाइप से लगा देंगे। अगर आप लोग के पास आई पेन ना हो तो आप ग्लू गन से भी इसको स्टिक कर सकते हो। फेविकॉल का यूज़ बिल्कुल ना करें क्योंकि चिपक तो जाएगा लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा आप लोग को। अगर आप उससे कम्फर्टेबल हो तो उससे भी चिपका सकते हो, लेकिन ग्लू गन बेस्ट है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे 8 हाथ लगाने के बाद दोनों पैर लगा दिए हैं। अब इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है दुर्गा माँ का फेस बनाना। तो फटाफट से मैं यहाँ पे दुर्गा माँ का फेस बना रही हूँ। तो मैं स्माइली फेस बनाने का ट्राई कर रही हूँ। और मैं आप लोग को एक सच बात बताऊँ, मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ दुर्गा माँ बनाने का और मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने अच्छा मैं बना लूँगी। और मुझे मेरी उम्मीद से बहुत अच्छा मैंने बना लिया ऐसा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है तो आप लोग प्लीज़ आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना। और मेरे लिए सबसे टफ टास्क फेस था। मैंने सुबह के लिए से बहुत सारी चीज़ें बनाई है। लास्ट टाइम मैंने कृष्ण जी भी बनाए हुए थे, उनका फेस भी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, लेकिन वो आप लोगों को बहुत पसंद आया। उस पर आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया है और इसलिए मैं आप लोग के लिए दुर्गा माँ लेकर आई हूँ। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो भी पसंद आए, इसको भी आप उतना ही प्यार दें जितना आपने कृष्णा जी की वीडियो को प्यार दिया हुआ है। अभी आपको दुर्गा माँ का फेस थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन लास्ट में जब आप पूरा फुल लुक देखोगे तो आप लोग को प्रिटी लगेगा। लास्ट में अभी हम मुकुट वगैरह ऐड करेंगे, हेयर्स ऐड करेंगे, तो ऑटोमेटिक ये बहुत ही सुंदर लगने लगेंगी। तो आप लोग इसका फाइनल लुक देखकर ज़रूर जाइएगा। अब हम यहाँ पे दुर्गा माँ की बैंदी ऐड करेंगे, उनके कान बनाएंगे और कानों में इयररिंग पहनाएंगे। और लास्ट में हम हमारी दुर्गा माँ को बिंदी लगाएंगे, नेल पेंट वगैरह लगाएंगे। सो मैं पैरों में, हाथों में, सब जगह नेल पेंट लगा दूंगी। थोड़ा सा मैंने ब्लश भी ऐड करा हुआ है जिससे कि हमारी दुर्गा माँ थोड़ा सा ब्लश करें। अब यहाँ पे मैं फेविकॉल की हेल्प से ये मैंने अस्त्र बनाए हुए थे दुर्गा माँ के, उनके हाथ में सब रख दूँगी। तो आप देख सकते हो ये सब मैंने सुपर क्ले से बनाए हुए हैं। ये बहुत ही छोटे छोटे हैं, इनको मैंने रिकॉर्ड नहीं करा हुआ है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसको आप इजीली बना सकते हो, ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी वीडियो की। सो लेकिन अगर आप लोग को तो भी ज़रूरत है तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना, मैं आप लोग के लिए बना दूँगी। अब यहाँ पे मैं लास्ट में थोड़ा सा मुकुट में डिटेलिंग ऐड करूँगी। यहाँ पे मैं एक्रेलिक कलर का यूज़ कर रही हूँ। सो एक्रेलिक कलर की हेल्प से मैं थोड़ा सा मुकुट में डिटेलिंग ऐड कर दूँगी जिससे कि हमारी दुर्गा माँ और ज़्यादा प्यारी लगें। और अब आप इसका फाइनल लुक देखिएगा,
और हमारी दुर्गा माँ की मूर्ति तैयार है। कैसी लगी आपको दुर्गा माँ की मूर्ति कमेंट में बताना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।